डांगरा मदार पोस्ट का बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर नीचे किमें छरा चीट भी पाएगी भाई जितना होंगे किराया देनदार हाँ बिल्कुल या और भी बढ़िया बात भाई। अगर नीचे तो मारी नहीं खुरी खोटी नहीं मिलना नहीं तो माम जिम्मेवार हूँ उस बात के ना बिल्कुल। तो 96,000 रुपए पर लंजोटी 8 लीटर दूध 5 दिन की ब्याई, उसके बाद अगर बात करें भाई खीस से खाली होता जो 1 रुपए लंजोटी भाई, और लगभग बात करें भाई रेट की तो 92,000 रुपये रेट था इसका भाई। हाँ भाई 92,000 रुपये इसका है। निकार है रोहतक पास है, रोहतक पास है जमा। और की कोई कमी नहीं। बाकड़ी की बात करा भाई, पहले लंजोटी 76,000 रुपये 2 महीने की ब्याई, तो लगभग अच्छा पशुधन था भाई। और तो हाँ जी राम राम भाई सभी पशुपालक साथियों को भाई, मैं आपका अपना छोटा भाई राहुल सियाग लगातार देखो भाई एक अच्छी वीडियो की डिमांड में मेहनत भी करनी पड़े है। और भाई सबसे मेन बात आओ कि भाई सस्ते भाव की झोटी आज के टाइम पर मिलनी महाभारत के समान है, क्योंकि भाई सस्ता भाव मिलता नहीं और फिर दूध नहीं मिलता। तो आज लगभग उम्मीद है कि भाई वीडियो के माध्यम से भाई अच्छी क्वालिटी का पशुधन कम जायज में दिखा सकूं, और भाई भाई ते भी उम्मीद है रखूँ। तो भाई जी राम राम। राम राम भाई। और भाई भाई ना राम राम। अच्छा अपनी लगभग सोशल मीडिया पहली वीडियो। हाँ भाई। अच्छा तो अपन कितने लंबे समय तक मतलब काम करना भाई हो गए 8-9 साल। 8-9 साल हो गए। हाँ। तो देखो सबसे मेन बात आओगी भाई, अब तक काम विलुप्त था मतलब एक सीमित दायरा तक था, बाहर तभी भाई देखेंगे या बाहर तो भाई कॉल भी आओगे। तो एक स्टार्टिंग जो नींव हो ना, ये घर की नींव हो मजबूत हो ना, तो आगे घर भी मजबूत बने है। तो आप इतनी एक भाई जितना भी हो सके जायज कीमत पे, अरे बढ़िया हिसाब ना भाई जमा जायज बतावांगे। दो पीछे अगले ने भी मिले हमने भी ठिया हुए ना। सही बात है भाई जी, एक बार अपना एड्रेस कंफर्म कर दो भाई जी। नाम मेरा मोनू, गांव सरसिया खेड़ी, तहसील जुलाना, डिस्ट्रिक्ट जींद, हरियाणा। हरियाणा। हाँ। जुलाना तो अपना कितने जुलाना था 8-9 किलोमीटर दूर है। 8-9 किलोमीटर। अपना कौन सा रोड पड़े भाई? ये जुलाना से पिल्लू खेड़ा रोड पर। जुलाना से पिल्लू खेड़ा रोड पर। तो लगभग कितना पशुधन है भाई? अपने पास 3 पशु है। 3 है। चलो लगभग वैसे तो 4 है। तो लगातार वीडियो तो बने रही हो भाई, काफी हद तक एक अच्छी वीडियो की कोशिश थी और वह पूरी करांगे। तो लगातार वीडियो तो बने रही हो भाइयों। आजकल पशुओं की सबसे गंभीर समस्या है पशुओं का बार बार फिरना। तो आप ऐसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अपने पशु को सुबह शाम न्यूट्री डाइट जरूर खिलाएं। न्यूट्री डाइट हरेक मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और आप इसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी खरीद सकते हैं। तो एक बार अपना शुभ नाम बताओ भाई जी। एक बार भाई मेरा नाम मोनू है। मोनू। गांव सरसिया खेड़ी है, तहसील जुलाना, डिस्ट्रिक्ट जींद है। बिल्कुल। बाकी एड्रेस भाई ने फिर कंफर्म कर दिया था, क्योंकि भाई नाम के बिना किसी की पहचान नहीं। हाँ, वो तो बिल्कुल सच्ची है। तो लगभग बात करा भाई अपना जो पहला नंबर जो पशुधन आप दिखाओगे। हाँ भाई। किस क्वालिटी में किस रेंज में? पहले ब्यात में है। अच्छा अच्छा भाई। ये 3 दिन की ब्याई है, खींचता सुबह खाली होगी। इब देखो भी हमने कितना निकाल ले गया। चलो देखो इसे निकालना। हाँ। भाई आपने तो कुछ हाथ में कौन है। हाँ। तो इधर लेकर के भाई वापिस। झोटी बहुत साफ सुथरी निकल रही है, ठंडी झोटी है। तो मुँह तो कितने दांत होगी भाई? भाई मुँह तो दांत हमने तो फाड़ के देखी कौन, 2 दांत होगी। तो चलो आप ना मुंह खोल गए, मतलब नहीं देखा भाई थी। तो ये देखें भाई जो ऑर्डर क्वालिटी का टिट स्पेस की बात करें, चलाते रहें भाई पशुधन को, ताकि जो जानकारी है भाई वो एक अच्छे से जो पशुधन है भाई वो समझ में आ सके और एक अच्छा जानकारी मिल सके। बहुत तो 3 दिन की ब्याई होगी भाई? 3 दिन की ब्याई है भाई आज। अच्छा अच्छा। बहुत शुद्ध लिगड़ रही है ना, को छर्रा चीट मोटी मोटी धार है। तो सुबह धार कितने बजे निकल? सुबह 5:30 बजे धार लिगड़ रही है। 5:30 बजे धार। हाँ इस टाइम देख लो आप कहेगा और। बिल्कुल। तो ये लगभग 2-3 घंटे बाकी है। हाँ, बाकी 2-2.5 घंटे। बिल्कुल। तो नीचे नीचे कट्टा है भाई इसका, नीचे कटड़ा। हाँ। तो ये देखें भाई जो पहले ब्यात का जो पशुधन है भाई, कितना दूध तैयार बताया भाई आपने इसका? भाई फिलहाल देखो हमने देखो कितना निकल लगी, सुबह खींचत खाली करी है। अच्छा अच्छा। सुबह खींचत खाली करी। हाँ। तो बन भी बढ़िया रही है। हाँ जो टीम मेरे से आप देखो देना चाहिए 10-11 किलो दूध तो बहुत हो जाए भाई। आगे गर्मियां टाइम है। हाँ। और मिलता भी नहीं फिर। मिलता भी कौन भाई? तो क्या कुछ मोल भाव करो भाई? मोल है भाई इसके 92,000 रुपये। 92,000 रुपये पहलन जोटी। हाँ पहलन जोटी है भाई। तो बिल्कुल ये देखे भाई वो क्या मैंने जायज रेट मांगेंगे भाई, तो दो भाई दूध पी सके। ना ना बिल्कुल। देखो भाई आगे जाओ गुण गाँव है। हाँ भाई। नहीं तो कई भाई कीजिए भाई वीडियो बनाने बंद कर देना। ना ना भाई यो काम कराएंगे, दो जुमा जाए तो जाए, क्योंकि उलाने मिल रहे फिर उसमें फायदा नहीं, नहीं, नहीं फायदा भाई कहे जा ना फिर उसमें स्वाद वाली बात नहीं रहती भाई। इसमें तो नो भाई दो भाई आदमी जायजे मांगांगे जमा जाए तो जाए जितना होगा। ना ना बिल्कुल बढ़िया बात है भाई। तो उसके बाद अगर बात करा भाई अपना या भी भाई दूसरी है या भी फर्स्ट टाइम मरा है, आज 5वें दिन की ब्याई होगी, 8 किलो दूध तैयार है। 8 किलो दूध तैयार है। नीचे कटी है, नीचे कटड़ी। इधर से ही घुमा ले भाई ताकि जो ये देखें भाई जो
एक और जो पहले ब्यात का जो पशुधन है भाई, और बात करें भाई सेम जो ऑर्डर क्वालिटी है भाई, उस पशुधन की भी आई थी और लगभग इसका भी सेम है भाई, 5:30-6 बजे तक धार निकल रही है। अच्छा अच्छा हाँ, एक ले करो भाई। हाँ, एक ले करया करो भाई, सुबह 5 बजे लग गया, 3-4 महीने की देख लो कितना टाइम लग गया है। हाँ, 3-4 महीने की टाइम लग गया, अकेला करने आऊं मैं। चलो बढ़िया भाई, इसका क्या कुछ मोल भाव भाई? इसके हैं भाई 96,000 रुपये। 96,000 रुपये? हाँ। और इसके कितने बताए थे भाई? इसके हैं 92,000 रुपये। 92,000 रुपये इसके? 96,000। बस इतना फर्क रहेगा, थोड़ा वेट इसमें ज्यादा, वेट ज्यादा है, इसमें खून बड़ा कम है भाई, उसमें थोड़ा खून कम, खून कम है, इस वजह से निकल रही जमा एक नंबर की। ऐसी मोटी मोटी धार है, बहुत सेंत सभा की है। अगला भाई तो 4 टेम धार देखियो, बिल्कुल तो जब लियो नीचे के भाई, नीचे इसका काटी है भाई, नीचे कटड़ी। हाँ, तो देखे भाई जो फीमेल काफ को जन्म दिया और काफी हद तक भाई अच्छी जो पहलन जोटी है, और लगभग उम्मीद भी करांगे भैया भी 11 किलो, 11 किलो तो मर्दी कौन है ना, बिल्कुल। अभी आज 5 दिन की भी आई, 8 लीटर दूध किसी कितने टाइम आपो भाई? ना ठीक बात है, ये तो देखने की चीज है, ये तो देखने की चीज है भाई। हां, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, बिल्कुल। अगला जब तक संतुष्टि नहीं हो, जब तक देखो, बिल्कुल, छर्रा छीट की गारंटी, मेन बात है उसकी गारंटी, बच्चे दिखा दे भाई एक बार, बच्चे देख, क्योंकि बाद में आप आने या सुनना ना, ना भाई जमा ले देख, भाई तो गए थे, नहीं नहीं भाई, एक मिनट, दार जमा कच्चे काट दूंगा भाई, ये दिखा देंगे भाई, या यू कट्टा है भाई, ये देख, यू देख भाई, यू नाडवा देख ले, यू नाडवा भाई, ये देख, ना 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 बिल्कुल कच्चे काट दूंगा भाई, क्योंकि बाद में भाई कमेंट भी करते हैं लोग भाई, या देख लो, ठीक, बिल्कुल ताजा बच्चा भाई, ताजे बच्चे हैं भाई जमा ना, फिर वह बात है मोनू भाई सा काम अपन करना कौन ना, ना भाई फिर आप उलाड़ा काम करा कौन, कोई सी चीज रहो की भाई जिसमें मोनू जो बात होगी भी संतुष्टि करके देंगे, और ना भी किसी उलाना उलाड़ा काम कति कराए कोई ना, ये और भी बढ़िया भाई, तो जितना होगा जायज रेट करके देंगे। यह अभी बखड़ी पहले जोटी है, अभी खर की जोटी। अच्छा, पहले नहीं भी। हाँ, हाँ, तो कितने महीने पूरी आई भाई? यार 2 महीने की ब्याह हो रही है, बच्चा नहीं है इसका, बच्चा नहीं रहा है मेरे। अच्छा अच्छा, हाँ, प्रेग्नेंट होगी भाई? प्रेग्नेंट नहीं है भाई, डोके लगी है, कदे भी हो सका है। अच्छा अच्छा, हाँ, 2 महीने की ब्याह? हाँ, 2 महीने की ब्याह, बिल्कुल। कोई नहीं, बांध दे भाई, ज्यादा शरारत कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 9 लीटर दूध तैयारी का, तैयारी का इसका भी। तो देखे भाई जो बाखड़ी की डिमांड रहा है, बांध दे भी, कोई नहीं, अंदर ले जा भाई, कोई दिक्कत, बांध दे। तो बाखड़ी जोटी की जो भाई डिमांड कर रहे थे, तो लगभग हीट में जो पशुधन है भाई वो भी आया हुआ, पूरी हाइट लेंथ की है जोटी भाई ना, बिल्कुल अच्छी पूरी हाइट है, जितना शरीर भर जाएगा जोटी और ये डाल गई है भाई। प्रेग्नेंट होगी उसके बाद पशुधन थोड़ा शरीर होना शुरू भैया, दोनों माले खा पी का ईब तैयार हुई है ना, तो अभी मरके बची है, इसमें बैन का टेम्पर इसका दिक्कत ही होगी थी, दिक्कत ही होगी। हाँ, चलो ईब बिल्कुल फिट है, धारपोष की खरी है, तीनों डांगरा में धारपोष का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर नीचे तो मैं छरा छीट भी पाएगी भाई, जितना होंगे किराया देनदार, बिल्कुल, या और भी बढ़िया बात भाई। अगर नीचे तो मारी नहीं, खुरी खोटी नहीं मिलना, नहीं तो माम जिम्मेवार है उस बात की ना, बिल्कुल ठीक बात। थोड़ा तो अपने आओ धार देखो, 2 टाइम 3 टाइम जय टाइम अगर लगा संतुष्टि हो जब तक धार देखो, ये तो देखने की चीज है भाई। अच्छा, दूध बताओ ना मिल रहा है उसमें, दूध में उसके भी जिम्मेवार है भाई माम, बिल्कुल काटडू काचे हैं, देख लो नड़वा इतनी, या 3 दिन की भी आई है, वो 5 दिन की भी आई, बिल्कुल, या खींच तो खाली, या खींच सुबह खाली हो, या शाम ने देखो कैबे के कितना दूध निकाल लगी फिलहाल। चलो बढ़िया, नॉर्मल एवरेज में भाई 11 किलो, हाँ 10-11 किलो दूध तो मर्दी को ना भाई, अभी रेट भी जायज है, और गर्मिया में इस टाइम आप भी देखो भाई राहुल फील्ड में घूमो हो, रेट भी बहुत जायज है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल जानना जायज रेट हो तो भाई सारे भाई कमेंट करके बताइयो, ना जरूर बताइयो भाई, जरूर बताइयो भाई, माम तेज मांग रहे हैं, क्यों करे भाई, मामने भी बेरा लग गए, आगे और सुधार करांगे, ना और भी बढ़िया बात भाई। तो उसका रेट के कुछ रखे उसके मोल है भाई बाकड़ी के 76,000 रुपये, 76,000 रुपये, चलो बढ़िया भाई, भाई जरूर बढ़िया, बाकी आप अपनी बात शुरू, भाई जरूर बताइयो, और भाई राहुल आपके 50,000 सब्सक्राइबर होने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई भाई, चलो शुक्रिया भाई जी, देखो मेहनत करा फिर भाई, आप भर के भाई सपोर्ट जरूर भाई, तो भाई अच्छा काम करके देना ही भाई, कोशिश भी रहो है। तो देखे भाई जो 96,000 रुपये पहले जोटी, 8 लीटर दूध, 5 दिन की ब्याई, उसके बाद अगर बात करें भाई खीस से खाली होता जो एक और पहले जोटी भाई, और लगभग बात करें भाई रेट की, तो 92,000 रुपये रेट था इसका भाई। हाँ भाई 92,000 रुपये इसका है, निकार है रोहतक पास है, रोहतक पास है जमा, और में की, कोई कमी नहीं। बाकड़ी की बात करें भाई, पहलन जोटी 76,000 रुपये, 2 महीने की ब्याई, तो लगभग अच्छा पशुधन था भाई, और जायज कीमत पे था, जरूर फील्ड में घुमा तो भाई जरूर बताइयो, देख मैं नाजायज मांग रहा हूँ, जरूर कमेंट करके बताइयो भाई। चलो बढ़िया भाई जी, ठीक है, राम राम सारे साथ भाई, सभी पशुपालक साथियों को राम राम भाई।